जमशेदपुर के उलड़ी थाना क्षेत्र के श्याम नगर निवासी संजय शर्मा के घर चोरों ने मेन गेट का ताला काट कर घर में रखे 1,60,000 नगद और लाखों के गहने ले उड़े। आपको बता दें कि संजय शर्मा इसी महीने 8 तारीख को अपनी बेटी की शादी करने परिवार सहित गांव गए हुए थे। वहीं आज सुबह घर लौटने पर पाया कि घर के मुख्य गेट का ताला कटा हुआ है और अंदर सामान बिखरे पड़े हैं। घर से नकदी और जेवरात भी गायब है। इसकी जानकारी उन्होंने उलड़ी थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मानगो भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद राय भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मानगो क्षेत्र में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है, साथ ही जल्द से जल्द चोरी के मामले का खुलासा करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे रोक पाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सूचना मिली बड़ा के माध्यम से श्याम नगर में घर में चोरी हुई है। आकर देखे यहाँ पर देखे कि संजय शर्मा जी है, इनके घर में ताला तोड़ करके, ताला तोड़ा नहीं, ताला को खोल करके तोड़ ही दिया, तोड़ के माध्यम से उसको छोड़ करके अंदर घुसे आए सरमारी से और कक्षा से कुछ चोरी उसमें भी देखेंगे आगे कैमरा मारते करते सुनता जैसा होता है। कितने की चोरी होने की संभावना है? इन्होंने अभी तो एस्टिमेटेड पता नहीं है, अभी काफी समय दिख रहा है, आप देख सकते हैं। कहाँ गए थे शर्मा, संजय शर्मा जी? शर्मा जी अपने घर गए हुए थे, किसी शादी में गए हुए थे। जांच पड़ताल कर रहे हैं, अभी करना ही अभी हम लोग कैमरा वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। कैमरा देख करके उसमें अगर कोई इस तरह से लगता है तुरंत चेंज करेंगे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।